Hello friends, today I want to show you how to make a simplest 12 volt battery full indicator circuit at home, and this circuit doesn't consume power until LED indicator is on. 12 volt battery full charge indicator circuit बनाने के लिए सबसे पहले लेना पड़ेगा हमें एक NPN transistor, जो कि मैंने यहाँ पर BC547 का transistor लिया है. उसके बाद लेना पड़ेगा हमें एक 3 वोल्ट एलईडी, मैंने यहाँ पर रेड कलर का लिया है, आप कोई भी कलर का ले सकते हैं दोस्तों. उसके बाद हमें जो एलईडी का नेगेटिव पिन है उसको जोड़ना पड़ेगा ट्रांजिस्टर का जो एक नंबर पिन कलेक्टर है उसके साथ. आप देख सकते हैं मैंने जोड़ दिया है. उसके बाद दोस्तों हमें लेना पड़ेगा एक 12 वोल्ट का जनरेटर डायोड. आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 12 वोल्ट हाफ वाट का जेनर डायोड लिया है. उसके बाद दोस्तों जेनर डायोड का जो नेगेटिव पिन है उसको जोड़ना पड़ेगा ट्रांजिस्टर की बेस पिन के साथ, और जेनर डायोड का जो पॉजिटिव पिन है उसको जोड़ना पड़ेगा एलईडी की पॉजिटिव पिन के साथ. उससे पहले दोस्तों, अगर आपने इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, उसके साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तुरंत पाए और सबसे पहले देख सकें. और फाइनली हमें लेना पड़ेगा एक 1 किलो ओम का 1/4 वाट का रजिस्टर. आप देख सकते हैं इस रजिस्टर को हम एलईडी की और जेनरेटर डायोड की पॉजिटिव पिन के साथ जोड़ देंगे तो हमारा 12 वोल्ट बैटरी फुल चार्ज इंडिकेटर सर्किट तैयार हो चुका है. तो चलिए इस सर्किट को चेक करके देखते हैं. पहले मैं इस सर्किट को मेरे जो वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई है उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ. कनेक्ट कर दी है, उसके बाद मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि मैं वोल्टेज को देख सकूँ. तो चलिए पहले मैं स्लोली वोल्टेज को इंक्रीज करके देखता हूँ. आप देख सकते हैं वोल्टेज 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, 10 वोल्ट हो चुका है, लेकिन जो एलईडी इंडिकेटर है अभी तक ऑन नहीं हुआ है. 11 वोल्ट हो चुका है फिर भी ऑन नहीं हुआ है. तो फाइनली 12 वोल्ट भी हो चुका है और जो एलईडी इंडिकेटर है वो ऑन नहीं हुआ है. जब तक ना वोल्टेज 12.76 वोल्ट होता है तब तक एलईडी ऑन नहीं होगा. तो आप देख सकते हैं वोल्टेज 12.84 हो चुका है और इंडिकेटर ऑन हो चुका है. तो इंडिकेटर को कवर करके दिखा देता हूँ प्लास्टिक से ताकि आप अच्छे से देख पाए. देखिए 13 वोल्ट पे ग्लो कर रहा है, थोड़ा सा डिक्रीज करता हूँ. और देखिए वोल्टेज 12.45 हो चुका है और इंडिकेटर ऑफ हो चुका है और 13 वोल्ट पे ये अच्छे से ग्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं. और हाँ दोस्तों, इस सर्किट को आप किसी भी बैटरी पे परमानेंटली लगा के रख सकते हैं, क्योंकि ये सर्किट बैटरी को कंज्यूम नहीं करेगा. जब तक ना इस सर्किट का जो एलईडी है वो ऑन होता है तब तक ये सर्किट बैटरी को कंज्यूम नहीं करेगा. तो आप किसी भी बैटरी पे इस सर्किट को परमानेंटली लगा के रख सकते हैं. अगर आपको इस सर्किट का सर्किट डायग्राम चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस सर्किट का सर्किट डायग्राम है, आप देख सकते हैं. दोस्तों इस सर्किट का एलईडी अच्छे से ग्लो कर रहा है, शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है क्योंकि मेरे स्टूडियो में बहुत सारे लाइट्स हैं इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिख रहा. इस सर्किट का एलईडी एग्जैक्टली 12.76 वोल्ट पे ऑन हो जाता है, आप देख सकते हैं. तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए. अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, उसके साथ बगल में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि हमारे अगली वीडियो आप तुरंत पाए और सबसे पहले देख सके. तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. थैंक्स फॉर वॉचिंग.